हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में इलेक्ट्रिक पावर किसी भी डिवाइस का क्या होता है तो ये सिंपली प्रोडक्ट होता है अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस का मींस अगर हम वी वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और कोई डिवाइस अगर आई करेंट ड्रॉ कर रही है तो वी इंटू पावर होगा उस डिवाइस का ठीक पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट एंड 746 फोर्टी सिक्स वॉट्स इक्वल्स टू वन हॉर्स पावर अब ओम्स लॉ के फार्मूले से हम जानते हैं कि वी इज इक्वल्स टू क्या होता है आई इंटू आर होता है तो जब हम पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करेंट में वोल्टेज की वैल्यू आई आर के बराबर पुट करेंगे तो हमको पावर का एक और फार्मूला मिलेगा जो होगा आई स्क्वायर आर अगेन ओम्स लॉ से ही जब हम करंट की वैल्यू वी बाई आर पुट करेंगे तो हमको पावर की तीसरी वैल्यू मिलेगी तीसरा फॉर्मूला मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर ठीक है अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपली पावर इनटू टाइम होता है यहाँ पे ध्यान रखना है कि टाइम हम सेकेंड्स में लेंगे ठीक है तो अब चूंकि पावर के तीन फॉर्मूलेस हैं एक वी आई, आई स्क्वायर आर तीसरा वी स्क्वायर बाई आर तो इन तीनों को हमको क्या करना है सिर्फ टाइम से जो कि सेकेंड में होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हमारे पास चार फॉर्मूले पहला पावर इन टाइम दूसरा वी आई इन टाइम तीसरा वी स्क्वायर बाई आर इन टाइम और चौथा आई स्क्वायर आर इंटू टाइम ठीक है एनर्जी है इसलिए यूनिट होगी जूल एनर्जी से ही जुड़ा हुआ एक और यूनिट जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है वन मार्क में के डब्ल्यू एच किलो वॉट आवर किलो वॉट आवर जो होता है वो होता है कॉमर्शियल यूनिट किसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जिसकी वैल्यू जूल में थर्टी सिक्स इंटू ट्वेंट पॉर फाइव होती है ठीक है और वन के डब्ल्यू एच वन यूनिट माना जाता है तो अगर हमारा बिजली दो यूनिट या दस यूनिट कंज्यूम किया गया है उसका मतलब है कि हमने टू के डब्ल्यू एच या टेन के एच इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर लिया है ठीक है तो कंक्लूड करें तो पावर वी इन टू आई वी स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर आर एनर्जी पावर इंटू टाइम वी आई इंटू टाइम वी स्क्वायर बाई आर इन टू टाइम एंड आई स्क्वायर आर इंटू टाइम ठीक है